हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? तो कौन है जो ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? पित्ताशय, यकृत, हृदय या फिर प्लीहा। तो राइट आंसर यहां पे जो रिलेट करेगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो उत्तर जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया है डी, उन सभी का उत्तर राइट आंसर हो जाएगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। अपनी रफ कॉपी जहां भी आप लोग टेस्ट करते हैं डेली का डेली, वहीं पे आप लोग अपना टेस्ट करिएगा और स्कोर अवश्य करिएगा 20 में से आप कितने क्वेश्चंस सही करते हैं। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कम से कम 10 से 15 बार यह क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है। तो यह किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक के साथ में जाएगा, यानी कि तरल संयोजी उत्तक भी आपको आंसर में मिलेगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है? किसको बोलते हैं सर्वदाता? तो यह होता है आपका ओ ब्लड ग्रुप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, जबकि ए बी बहुत पूछा जाता है। जो सर्वग्राही जो होता है ये कौन सा होता है? ये ए बी के साथ में रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। तैयारी आप सभी लोग करते रहिएगा क्योंकि एग्जाम की डेट्स आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से इस समय यूपी में निकाली जा रही है। तो आप लोग जो 15 अगस्त के पहले बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिएगा। और ज्यादा जो लोग सोच रहे हैं कि सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, तो वो लोग अपना थोड़ा सा भ्रम हटाएं और 31 जुलाई टारगेट सेट करिएगा, उसके अनुसार तैयारी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती? तो कौन से तत्व की आवश्यकता होती? पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा या फिर आयोडीन? बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होता है। जल्दी से अपना राइट आंसर आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो जितने लोगों का आंसर आया है लोहा, तो आयरन के साथ में इस क्वेश्चन का राइट आंसर रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 64 का सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है, कौन सी धमनी कहलाती है? ये देखिए, हृदय धमनी कहलाती है, फुफ्फुसीय धमनी कहलाती है, उच्च महाशिरा धमनी कहलाती है या फिर लसिका नलियां कहलाती हैं? बताइए अगर राइट आंसर। 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे ये क्वेश्चन, बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसके पहले आपने देखा क्वेश्चन नंबर 64, तो आयरन के साथ रिलेट करेगा। एक मिनट, हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 65? तो यहां पे उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसमें बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, एक बार सारे क्वेश्चन रिपीट करा देते हैं 61 से। कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? तो 61 हो जाएगा आपका प्लीहा के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं? ओ को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो ये जो होती है ये लोहे यानी आयरन की आवश्यकता होती है। 65 नंबर का क्वेश्चन था, ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है वो कौन सा हो जाता है? ये फुफ्फुसीय धमनी के साथ में रिलेट करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 66 नंबर का है, लाल रक्त कणिकाओं की आयु मानव में होती है, तो ये जो आयु होती है ये कितने दिनों तक मानी गई है? 75 से 110 दिन, 80 से 90 दिन, 100 से 120 दिन या फिर 90 से 112 दिन? 66 का आंसर किस ऑप्शन को आप लोग रिलेट करेंगे? जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कांटेक्ट करके पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना होगा, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी पेमेंट कराकर आप स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और जो पीडीएफ है वो सभी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 66 सही आंसर हो जाएगा आपका,
100 से 120 दिन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 67। कौन सी कोशिकाएं हमको सूक्ष्म जीवों से बचाती हैं? तो कौन सी कोशिकाएं हैं जो सूक्ष्म जीवों से बचाती हैं? एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, न्यूट्रोफिल होती हैं, लाल कोशिकाएं होती हैं, या फिर उपरोक्त सभी के साथ में रिलेट करेगा। 67 नंबर का सही आंसर न्यूट्रोफिल के साथ में रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है, नाभिक का सक्रिय स्थान है, गुणसूत्र का है, माइटोकॉन्ड्रिया का, या फिर गॉल्जी उपकरण का है? कोशिका में बात की जा रही ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 68 का सी उत्तर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तनों में मुख्य भूमिका निभाता है, ग्रेनम, एडीपी, एटीपी या फिर क्लोरोफिल, क्या कहलाता है? 69 नंबर तो यह कहलाता है आपका एटीपी, सी ऑप्शन राइट आंसर होता है, सी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हृदय वाहिनी के किस हिस्से में रक्त के बहाव की गति सबसे कम होती है? बताइए किसमें सबसे कम होती है रक्त के बहाव की गति? नस कोशिका धमनी रक्त वाहिनी। 70 नंबर जो होता है आपका कोशिका के साथ में रिलेट करता है, बी ऑप्शन। जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया है उन सभी का उत्तर राइट आंसर हो जाएगा और साथ में आपके 4 नंबर भी कंफर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो इसका जो परसेंटेज होता है प्लाज्मा का 45, 55, 35 या फिर 60%। 71 कौन सा ऑप्शन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे? तो ये जो रिलेट करेगा 55% के साथ में रिलेट करेगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनोलैंगिक विकास इस समय होता है, तो ये परवर्ती बचपन से रिलेट करेगा, कुमारावस्था से रिलेट करेगा, बचपन से रिलेट करेगा या फिर वयस्कता से रिलेट करता है? 72 नंबर को आप लोग रिलेट करिएगा आंसर क्या हो सकता है और कौन से ऑप्शन से आप लोग 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कुमारा अवस्था होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज, जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं वहां से आप वो पार्ट सर्च करके देख सकते हैं। हमारा कोई दूसरा चैनल नहीं है, ना ही कोई ऐप चलता है। आप सभी लोग कई बार पूछ चुके हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट क्लासेज विद हरीश सर चैनल है, उसी में फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर के द्वारा आपको ये क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं वहां पे आप लोग को 9621819209 सिर्फ यही एक मात्र नंबर है जिसके द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे नाम से कोई दूसरा अगर चला रहा है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी कि आप लोग पेमेंट करके उसके बाद बता दें कि सर यहां पे हमने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। ध्यान रखिएगा पंकज कुमार गुप्ता के नाम से आपको पता चलेगा 9621819209 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो यहां पे उत्तर जो हो जाएगा काम का तरीका भी हो जाएगा, कौशल भी हो जाएगा, मानसिक सामर्थ्य भी हो जाएगा। कहने का मतलब है डी ऑप्शन एग्जैक्टली राइट आंसर हो जाएगा, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर का। सभी स्तरों पर बच्चों के इष्टतम विकास के लिए शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों का कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? कैसा कार्यक्रम होना चाहिए? संतुलित कार्यक्रम होना चाहिए क्या? बिल्कुल होता है, बी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन। आपदा प्रबंधन योजनाओं के 4 चरण क्या हैं? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा उसके बाद आंसर को क्लिक करिएगा, राइट आंसर अटेम्प्ट करिएगा, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। बताइएगा यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है।
और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपको बोलता है कि सारे क्वेश्चंस एग्जाम में फंस जाएंगे, तो ये मान के चलिएगा सारे क्वेश्चंस किसी भी इंस्टीट्यूट, कोचिंग, यूट्यूब चैनल क्या किसी से आप पढ़ रहे हो वहाँ से मिलेंगे नहीं। 25 से 30 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनका लेवल टफ होगा, वो आपकी मेरिट को इधर से उधर करेंगे। क्यों? क्योंकि 100 क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप कर ले जाएंगे, नियर अबाउट 80 क्वेश्चंस मैक्सिमम लोगों के हो जाएंगे। फिर 20 क्वेश्चन उसमें जो होते हैं एवरेज से ऊपर के होते हैं, और 25 से 30 क्वेश्चन जो बनाए जाएंगे वो आपके टफ से टफेस्ट होंगे। इसलिए जो पेपर आप सॉल्व करिएगा, जो भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उसको अच्छे से सॉल्व करिएगा पढ़ के, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। मेरिट कितनी जाएगी इसका कोई निर्धारण नहीं है, पेपर के मॉड्यूल पर मेरिट डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन नंबर 75 था, आंसर आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। सही आंसर जितने भी लोगों ने लगाया है ए, उन सभी का उत्तर राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा कारक मानव व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक साधक है? धन, कला, साहित्य, संस्कृति, बताइए। 76, तो ये जो होता है आपका डी ऑप्शन संस्कृति के साथ में रिलेट करता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस प्रकार का नेतृत्व टीम निर्माण, संघर्ष विघटन और नैतिक विकास पर ध्यान देता है? तो ये जो ध्यान देता है सामाजिक नेतृत्व हो जाता है। क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव को कहते हैं प्रतियोगिता कहते हैं, सहयोग कहते हैं, विनिमय कहते हैं, या फिर संघर्ष कहते हैं? 78, तो इसको जो बोलते हैं क्या बोलते हैं? प्रतियोगिता के साथ में जितने भी रिलेट कर रहे हैं गलत होगा, सहयोग भी गलत हो जाएगा, संघर्ष भी गलत होगा। तो उत्तर आपका बच गया सी, यही हो जाएगा राइट आंसर। इसके पहले के वीडियोज के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, जो पार्ट आप देखना चाहते हैं वो पार्ट आप तुरंत देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 79, देखते हैं यहाँ पे। प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी के अध्यापक माने जाते थे, इनको क्या बोला जाता था? टॉक्सोटेस। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जितने भी लोग अटेम्प्ट कर दिए हैं डी ऑप्शन उन सभी का आंसर राइट होगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग योजना कहाँ आरंभ हुई? ये जो कोचिंग शुरू हुई थी ये कहाँ शुरू हुई थी? पटियाला, ग्वालियर, दिल्ली, बेंगलुरु। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पटियाला में शुरू हुई थी, ए उत्तर सही हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। और अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, 9621819209 पर। इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी पेमेंट कराकर आप स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, क्योंकि नया बैच जो 15 जून से स्टार्ट किया गया था वो बैच चल रहा है, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।